जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर 23 जुलाई के दिन यानी कल के दिन जो है ना प्यारे बच्चों सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का होगा। तो अभी कैसे वीडियो में मैं बिल्कुल जो है ना सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल देख लो या बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आपका, विषय कोड 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और एक चीज़ बता दूँ, सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता दूंगा और ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम लेते हुए प्यारे बच्चों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, मैं डायरेक्ट बिना क्वेश्चन पढ़े हुए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो आपको 24 ही क्वेश्चन बनाना है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक किस जो ना सर्वप्रथम किस यात्री जो ना यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था, तो आप नोट करेंगे पहला नंबर का, तो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वास्को डी गामा, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ दिया डाउट क्लियर करने के लिए कि ओरिजिनल पेपर है। जैसे कि जो ना उत्माक्षा अंतराक्षी जो ना क्या बोला जा रहा है प्रश्न, यहाँ पर देखिए हाउ डिस्कवर्ड द कोट पोट, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो आप नोट कर लो राइट आंसर हो जाएगा 1900 जो है ना 1700 ना, तो 1700 हो जाएगा आपका कितना, देख लो यहाँ पर 1700 जो है 1789 ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद आगे देख लो 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश के यात्री था, तो आप नोट कर लेना 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगाल का, ठीक है। तो चलो मैं आप फटाफट आंसर की बताता हूं। चलो 5 नंबर का नोट करोगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 नंबर का नोट करोगे ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस फटाफट से मैं जैसे बता रहा हूं नोट कर लो, अगर एग्जाम में ना आए तो चैनल को आकर के अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर होगा आपका और मैथ का होगा, तो उस दिन आकर के अनसब्सक्राइब करना और चैनल पर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यह बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में। तो चलो 8 नंबर का नोट करना, ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस पेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 का देख लोगे तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, और 10 का देखोगे तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 का देखोगे ना तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, घना, ठीक है। चलो इसके आगे 12 नंबर का देखोगे ना तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल, और क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना 13 है ना, 13 का ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। तो इस प्रकार से मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर नोट कर डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। चलो यहाँ पर देखो 13 का तो मैंने आंसर बता ही दिया, और 14 का देख लो, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो नोट कर लेना 1991 में राइट आंसर 14 का डी होगा। 15 नंबर का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और 16 का नोट कर लेना, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लेना, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर की नोट करोगे, शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है ना, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पटना, और 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्पादन, और 20 नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का आंसर की नोट कर लो, 21 नंबर का नोट कर लो तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा, ठीक है। चलो आगे देख लो, 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 23 का नोट करोगे तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, और 24 का नोट करोगे ना तो 24 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट कर लो, इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का नोट करोगे तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 26 का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 26 के बाद 27 का नोट करोगे तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 28 का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके आगे देख लो, 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन का नोट करोगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाऊंगा, वैसे आंसर की चलो कहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सिखा दे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से क्या करो, सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लो। इसके बाद आप ऊपर करो, फर्स्ट में आपके सामने देखो मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिला, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के साथ आपके सामने इस प्रकार से जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना क्लास 9th का सेशन मिलेगा। तो ये रहा ना क्लास 9th का सेशन और जुलाई मंथ एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करोगे इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करो, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना दोनों ग्रुप को वीडियो को रोक करके, ठीक है। आगे आओगे तो यहाँ पर देखो आपको मैंने साइंस का पहले ही पेपर डाल दिया था और सोशल साइंस का है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे और मैथ इंग्लिश का भी कर लेना नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो फिलहाल सोशल साइंस का करते हैं, और इसको देखो अब आपको रिफ्रेश करना होगा, जब भी आओ तो रिफ्रेश करो, पेज को क्या करो नीचे की ओर खींचो, नीचे की ओर खींचने से ना रिफ्रेश होगा, कुछ भी हम डालेंगे तो आपको दिखेगा नहीं तो वरना नहीं दिखेगा, ये काम जरूर करना, फिर बाद में आप लोग मुझे मत बोलना। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैंने दे दिया, इसे लिख लो, आगे बढ़ो। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैं कुछ ही देर में यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, आप आकर के यहाँ से लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।